पीस अवार्ड 2023 नाम से ही जब पहली बार मेरे पास माननीय डॉक्टर राजकुमार टाट जी एवं माननीय डॉक्टर उपासना हलवाई जी आए और उन्होंने इस फाउंडेशन के उद्देश्यों की जानकारी मुझे दी, तो निश्चित ही मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा प्रयास है अहिंसा सत्य परमार्थ के मार्ग पे, और जो लोग चल रहे हैं उनको चयनित करना, समाज में उनको ढूंढना, हम जैसे संतों को भी ढूंढा उन्होंने और योग्य इस योग्य समझा कि हम इस अवार्ड से हमारे जो गुरुकुल के बच्चे हैं, जो हमारे समाज के बच्चे हैं, उनको प्रसन्नता होती है कि ऐसे परमार्थ और सत्य पे के मार्ग पे चलने वाले संत हैं, ऐसे लोग हैं जिनसे प्रेरणा लेके हमें इन जैसा बनना है और इन ऊंचाइयों पे हमें पहुंचना है, अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाना है और इस पंक्ति में आके हमें भी खड़ा होना है। डॉक्टर राजकुमार टाग जी का तो मैं पूर्व से ही प्रशंसक रहा हूँ, उन्होंने सदैव ही इस संस्था के माध्यम से निसक बच्चों की और समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं, खास तौर से जो तिरस्कृत हैं, कोविड में भी उनकी संस्था ने जो समाज में दवाइयों का वितरण रहा हो, भोजन का वितरण रहा हो, और उससे भी बढ़ के जो उनका आत्मीय लोगों के प्रति प्यार रहा, जिससे एक आदमी में आत्मविश्वास जगा, जब आदमी उस अवस्था में जब जीवन की निराशा के दौर से वो गुजर रहा था, उस समय डॉक्टर टाग जी उन गरीबों के साथ खड़े रहे और समाज के सभी वर्गों को जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया और मैं सदैव से उनका पूर्व से ही प्रशंसक रहा। मेरा डिफरेंस टू ह्यूमैनिटी और हाँ जी राजकुमार टाक ऑर्गेनाइज करें, डॉक्टर साहब हैं और बहुत साथ कर रहे हैं। लास्ट ईयर भी आई थिंक ही कॉल्ड मी टू टॉक मी अबाउट दिस इवेंट लास्ट ईयर, आई कुडंट कम सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई कुड बी हियर दिस ईयर। मेरे गुरु हैं पिता जो हैं डॉक्टर सत्येंद्र जी, जब भी अवार्ड से कुछ कॉज के लिए फादर और वो तो खुद बताएंगे वो कितना अच्छा काम करते हैं ऑल ऑफ दैट। एंड सिर्फ एक अवार्ड को भी ऑर्गेनाइज करना इसमें बहुत मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क एंड टू डू रिसर्च एंड फाइंड आउट हु हैज कंट्रीब्यूटेड हाउ मच एंड हु नीड्स टू बी यू नो सेलिब्रेटेड, हुज लाइफ नीड्स टू बी सेलिब्रेटेड, दैट आल्सो इटसेल्फ इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग, सो ही डज दैट। बड़ी बात है और क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में? मैं ये कहना चाहूंगी कि नेल्सन मंडेला जी के नाम पे जहां पे लोग शायद मेरा ये पहला अवार्ड है जिसको मैं अटेंड कर रही हूं और तो साथ में सितारे भी हैं, तो थैंक राजस्थान की आज की शाम को और भी ज्यादा रंगीन अवार्ड रखा है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ पे जो हमारे समाज सेवक है पूरे भारत इंडिया ऑनर किया है और उनको अवार्ड्स मिल रहे हैं।
ऑल्सो बहुत सारे सोशल कॉज भी जुड़े हैं इस अवार्ड शो के साथ, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार. So how many business people are here? Can you raise your hand? How many people are businessmen? Businessmen कितने लोग हैं? हाथ ऊपर कर सकते हैं? सर आप हाथ ऊपर करिए. All the businessmen. जिनका छोटा सा भी business है वो हाथ ऊपर करेंगे. Social causes that are आप लोग दिन रात मेहनत करते हैं. बोलिए बोलिए बोलिए. नेल्सन मंडेला अवार्ड के साथ बहुत सारे सोशल भाई खुद का बिजनेस चल रहा है. बिल्कुल. नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी जो कि बहुत सारे अनाथ आश्रम को मदद करती है, तो मुझे देख रहा है कि बहुत सारे जगह पे खाना कैंसर हॉस्पिटल है, अलग अलग तरह के जो हॉस्पिटल है वहाँ पे खाना देती है. जो भी जरूरतमंद लोग हैं विशेष करके जिनको फीस का प्रॉब्लम आता है, बच्चों की जो बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं लेकिन उनके पास फीस नहीं देने के लिए, उनके लिए भी नेल्सन मंडेला अकेडमी मदद करती है. तो आप जिस तरह की भी सोशल बोलेंगे उस तरह के हर तरह के सोशल वर्क में नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी का योगदान. स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पे? यहाँ पर है महिमा मैम, यहाँ पर है क्या बोलो इस तरह के कॉज को सपोर्ट करने के लिए. ये मैं एक बात बताऊँ आपको, नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड अकेडमी के ऊपर जैसे ये स्टार इतने बिजी शेड्यूल से आते हैं कि उतना बड़ा ऋण छोड़ के जाते हैं कि हम जिंदगी भर की आवाज है. हमारे एक फोन पे ही आते हैं तकलीफ में आते हैं ठंड के लिए. अपने लिए तालियां बजा दीजिए. हम सबका धन्यवाद मान लेते हैं. गॉड ब्लेस यू. सबसे बड़ी बात है उसके साथ साथ अगर आप बाहर काम कर रहे हैं तो बहुत ही बड़ी बात है. एंड जैसे कि महिमा मैम बस ये बहुत very happy to be here and it's an honor to be here and get this award and I think it's a great day for everybody to celebrate this and I hope we keep doing this and glorifying this event and making it a grateful thing that you've honored all the artists and it's actually a great moment. Thank you so much and hope you guys have a good evening. correct so हाँ पठान के बारे में अभी आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है एंड बहुत अच्छी तरह लोगों ने उसको सराहा है एंड कोरियोग्राफी भी बहुत पसंद कर चुके हैं लोगों ने एंड आई थिंक सब एज ग्रुप्स के लिए ना बड़ा ही इजी हो गया था एंड एक अच्छा माहौल बन गया फॉर फिल्म्स. आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट this film should do well and I think we should all celebrate movies. Sabki film achhi karni chahiye. I think it's time to celebrate movies and we all need to go to the theaters to celebrate them. Yes. Thank you. मैं ये जो इन्होंने जो पठान में जो कोरियोग्राफी की है ये नेशनल स्टेप बनने वाला है और इतना बढ़िया इन्होंने स्टेप है वो कि कोई भी नॉर्मल से नॉर्मल इंसान भी कर सकता है और ये एक दिन नेशनल स्टेप बनेगा. थैंक यू सर. थैंक यू. थैंक यू दादा. कांग्रेचुलेशन सर. तो हम सब टाइगर ग्रुप के बारे में सब लोग जानते हैं और ये चेहरे हमने बहुत बार टीवी में और बड़े बड़े शोज में देखा हुआ है और इनके लिए एक बार फिर से अवार्ड के बारे में जोरदार तालियां बजाएंगे. यहाँ आज आकर बहुत ही अच्छा लग रहा है. बहुत प्यार बहुत सम्मान मिला. नेल्सन मंडेला नोबल पीस अवार्ड 2023 के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. रोपंजा लीग के साथ हमको यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे आर्म रेसलर्स को एक स्टेज मिले, एक बहुत बड़ा स्टेज मिले और हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि वो एक बहुत हाई लेवल पर पहुँचे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑनर. थैंक यू. मैं भी यही कहना चाहूँगा बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे इतने हस्तियों के बीच में ये अवार्ड मिलना नेल्सन मंडेला का. और सर आपने बहुत अच्छा अवार्ड फंक्शन किया है तो आपको बहुत बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस. बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. सो थैंक यू वंस अगेन सबको. जय महाराष्ट्र. जय हिंद. बड़े बिजी शेड्यूल से आए हैं और हमारी रिक्वेस्ट पे दोनों भी. और मैं एक बात बोलूँ आपको कि मोहब्बत मेरी लाइफ की एक ऐसी मूवी है कम से कम 200-300 बार भी देखो तो पेट नहीं भरता. और मैडम ने जो और सर ने आ रहे बाप रे ट्रेमेंडस. ये मतलब जादूगर हैं लोग.
और आज भी इतने स्वीट कपल है. गॉड ब्लेस यू सर, आप लोगों की जोड़ी बनी रहे और ऐसी शानदार काम करें, आगे बढ़े. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपको क्या लगा? और मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ और जिस तरीके का आप लोगों ने अरेंजमेंट किया है या जिस तरीके का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उसके लिए थैंक यू पूरी टीम को देता हूँ. और स्पेशली जिस तरीके से अप्रिसिएट किया जा रहा है ये बहुत बड़ी चीज़ है और मुझे भी अप्रिसिएशन के लिए जो है मोमेंटो भी मिला है और काफ़ी खुशी मिलती है जब ऐसे प्रोग्राम होते हैं. लोग कोई भी चीज़ आप करते हैं उसको सराहते हैं. यहाँ पे काफ़ी प्यार मिला और मेरे को बहुत अच्छा ये लगा क्योंकि कल पठान फिल्म रिलीज हो रही है और पठान फिल्म के जो कोरियोग्राफर हैं और उन्होंने ही इस फिल्म को जो है कोरियोग्राफ किया था तो उसमें उन्होंने जो पठान वाला गाने को कोरियोग्राफ किया उनके हाथों से मिला, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है. और वास्को सर को मैं काफ़ी टाइम से देखता आ रहा हूँ और जैसा आप देख सकते हैं हर जगह जो है पठान लगा हुआ है और बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि पठान बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने वाली है. थैंक यू सो मच, ऐसे ही प्रोग्राम करते रहिए. और राजेश जी ने जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छा लगा. मैं कहना चाहूँगी कि अवार्ड देना और अवार्ड लेना दोनों ही बहुत ही गर्व की बात होती है. और अभी तक तो हम लोग लखनऊ में काफ़ी अवार्ड्स मिलते रहे हैं लेकिन मुंबई में इस तरह से अवार्ड मिला ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. और मैं सभी से कहना चाहूँगी, मैं तो सोशल वर्क भी करती रहती हूँ, वैसे मैं एक मॉडल भी हूँ, तो सोशल वर्क सभी को थोड़ा बहुत करना चाहिए क्योंकि इससे दिल को खुशी मिलती है और जब हमें सम्मान मिलता है तो हमारी जिम्मेदारी इसके प्रति और ज़्यादा बढ़ जाती है. थैंक यू सो मच. जल्दी हम दोनों को आप देखेंगे हमारी आने वाली फिल्म हम भी हैं शाहरुख में, जिसमें खुद शाहरुख जी भी रोल कर रहे हैं. 30 से 35 मिनट का उनका भी रोल है. तो पठान के बाद कई सारी फिल्में शाहरुख जी की आ रही हैं, इंशाल्लाह हम लोगों के साथ भी आएंगी और काफ़ी सारी फिल्में देख सकते हैं आप. थैंक यू. सबसे पहले तो मैं राजकुमार जी को धन्यवाद कहता हूँ कि मुझे ये पुरस्कार मिला. नेल्सन मंडेला नाम के साथ जुड़ने में ही बहुत बहुत बड़ा बड़ा नाम है और उसके साथ में जुड़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे ये मौका दिया, इस लायक समझा कि मैं इस अवार्ड को स्वीकार कर सकूँ. डांस फॉर कॉज जो मैंने 2008 में शुरू किया था उसको आज 15 साल हो गए हैं और उसके बाद में ये मिलना आई थिंक इट्स अ ग्रेट ऑनर. सो मैं आप सबको धन्यवाद कहता हूँ कि आपने डांस को मेरे अप्रिशिएट किया, इतना पसंद किया और अवार्ड से सम्मानित किया. सर तो बहुत सारे लोगों को नचाते हैं और नया नया टेक्निक जो डांस के लिए लाया, जो प्लेटफॉर्म लोगों को दिया, जो नई नई टेक्नोलॉजी इन्होंने डांस में बनाई उनके लिए तो सारा इंडिया का सब जानते ही इनको. मैं इनका धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ. बड़े बिजी शेड्यूल है, इनकी क्लासेस बहुत सारी क्लासेस हैं लेकिन सब काम को छोड़ते हुए उनको करते हुए यहाँ पे आए हैं. सर हम थैंक यू बोलते हैं, जिंदगी भर आपके ऋणी रहेंगे सर. गॉड ब्लेस यू सर और नेल्सन मंडेला के साथ रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. वावे फोटो आ जाओ.